हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का जोर स्वागत है आप सभी को आपका ये यूट्यूब चैनल टेक्निकल साथ में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगा कि बताऊंगा कि आप जो 0 वाट बल्ब यूज़ करते हैं वो कितने वाट का होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने हाथ में दो बल्ब जो 0 वाट का बल्ब है यहाँ पे रखा हूँ, आपको दिखाऊंगा कि जो हमारा आप ये होल्डर से देख सकते हो ये कितना डिफरेंस है। पहले जो होल्डर आता था हमारा ये 2 0 बल्ब, ठीक है, हमारा 2 0 बल्ब आता था पहले, ये हमारा 15 वाट का होता था। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे 15 वाट लिखा है, इसका नाम 0 बल्ब है लेकिन ये 15 वाट का आता है। यह हमारा एलईडी बल्ब है, ठीक है, ये है 0.5 वाट का, ये भी 0 बल्ब है। इसको 1 महीने आप चला के भी रखोगे तो आपको 1 महीने में सिर्फ 1 रुपया ही आएगा, ठीक है, जबकि ये पहले जो 0 बल्ब आता था इसका नाम 0 बल्ब है होता था लेकिन ये 15 वाट का होता था। ठीक है, इसको 1 महीने चला के रखोगे, ये अगर 5 रुपया आएगा तभी इस बल्ब को आप चलाओगे, 1 महीने तक चला के रखोगे तो आपका 1 रुपया आएगा बिल। ठीक है, ये है 0.5 वाट का और ये है 15 वाट का, इसका कोई गारंटी रहता नहीं है। ठीक है, ये बल्ब आप खरीद के घर में लगाने के बाद अगर फ्यूज भी हो गया तो दुकानदार इसको रिप्लेसमेंट, इसमें कोई वारंटी नहीं देगा, जबकि ये बल्ब खरीदने पे आपको 1 साल का वारंटी मिलेगा। ठीक है, ये बल्ब आपको, ये बल्ब का प्राइस आपको 10 रुपया आता होगा तो ये बल्ब आपको 30 रुपया आएगा। ठीक है, और उसमें 1 साल का वारंटी भी आपको मिलेगा, जबकि ये बल्ब खरीदने के बाद पैसा 10 रुपये में मिल जाएगा, कम पैसे में मिल जाएगा लेकिन इसमें कोई वारंटी गारंटी नहीं है और ये बिल भी कम आएगा 100%, क्योंकि ये 0.5 वाट का है जबकि ये बल्ब रहा आपका 15 वाट का।